और चटनी और भात और दाल बनाया है। सभी बिल्कुल मेरे पास बोलो प्रणाम। आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा दोस्तों मैं बनाऊंगा वीडियो। फिर ना मम्मी ने अभी कुछ नहीं बनाया है खाने पर, छपाई गले कल तो मम्मी बना देंगे। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। आप सभी का स्वागत है आज के मेरे ब्लॉग वीडियो पर। आप सभी को दिखाता हूँ मैं मौसम। तो देता हूँ मैं हाथों देता हूँ फ्रेश छोटा हूँ कपड़े दो कपड़े पहनता हूँ अच्छे अच्छे तब मिलता हूँ मैं फ्रेश होके पूरा। तो दोस्तों मेरा पानी गर्म हो रहा है, अभी मम्मी बर्तन धो रहे हैं। आप सभी को दिखाता हूँ, देखो मम्मी क्या कर रहे हो। बर्तन धो रही हूँ आपके लिए, नहाने के लिए पानी गर्म कर दी हूँ। और यहाँ पर है मेरा पानी और यहाँ पर धो रहे हैं मम्मी पान मतलब पानी के बर्तन। तो आप सभी को हेलो। तो रिदू ने बोला है ना कि आप लोग ना चुप ही बैठो, आज का जो ब्लॉग है मैं ही बनाऊंगा। तो रिदू हमें ब्लॉग बनाने भी नहीं दे रहा है, तो रिदू खुद ही बना रहा है। देखो आज यहाँ पर मेरा पानी गर्म हो रहा है, यहाँ पर मम्मी धो रहे बर्तन। तो दोस्तों मैंने कल भी वीडियो बनाया था, अब रोज मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। थोड़ी देर मैंने सोचा कि वीडियो बना लेता हूँ, अभी फिर से जब पानी गर्म होगा फिर से बनाऊंगा नहा के पूरा फ्रेश फ्रूश होके। मम्मी आप क्या करे जल्दी में मुझे हाथ धुला पानी गर्म करके। हाथ मुन्नी धुला नहीं तो नहाना है आपने आज। ठीक है ठीक है। बस मम्मा के पास बर्तन था, पापा बनाएंगे खाना, मम्मा आपको नहलाएंगे क्योंकि पापा पीछे बैठे। बोल कर लेना भात मतलब भात पका देना मतलब भात तल कर लगा दो मम्मी लेना आएंगे पानी। ठीक है तो दोस्तों अब मैंने मम्मी पापा को भी बोल दिया है कि कब मम्मी मुझे नहाएंगे और पापा ना कपड़े छाए खाने बर्तन पे खाने बनाएंगे, खाना भात दाल बनाएंगे। अब मैं नहा के मिलता हूँ आपके साथ। ना ले रिदू। ओ रिदू। अभी कपड़े में मिलूंगा। अच्छा। तो दोस्तों मैं भी नहा गया हूँ, अब मम्मी बना ले दिन का लंच। दाल तड़का लगा रही हूँ, दाल तड़का लगा रही हूँ। तेल के पता क्या करते हैं? तेल डालते हैं कढ़ाई पे। फिर उच्च कंदल पे के उच्च उधर वाले खिड़की पर उस पे भी तेल है, दादी जो सब तेल लाए थे। तो मैं बैठा हूँ धूप पर। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं चेक लेता हूँ धूप। तो दोस्तों मेरा हाथ थक जाता है, मैं अभी छोटा हूँ, रोज वीडियो बनाऊंगा पर मैं फिर भी बनाते लेता हूँ रोज। अभी फिर से मम्मी लंच के बनाने के बाद मिलूंगा। तो दोस्तों मम्मी ने खाना बना के तैयार कर लिया है और चटनी और भात और दाल बनाया है। दिखाओ मम्मा। ये रहा चटनी, पत्ती धनिया डाल के बनाया है और इसे बनाया हमने दाल, इसे बनाया हमने दाल गले चने की और कुकर पे है चावल। मैंने दिखा दिया आपको खाना, अब पापा से मिल लिए। पापी कुछ बोलो ना। आपको खाना खाना है, बोलो। भूख लग गई, खाना खाना है।
बहुत भूख लगी थी। एक अब हम मम्मी और मैं खाना खाते हैं। मैं खाना खा के मिलता हूँ और आपको। मैं नहा गया था तब खाना खा के मिलता हूँ मैं। मम्मा जल्दी खाना खा डालो। हाँ रुक जाना छोटी सी। मैं चलता हूँ खिचड़ी पकड़ लो। खिचड़ी खोलूँ। चावल कच्चा हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा लंच हो गया है और ना हम मैं धूप से कम बाहर बैठ के और मैं बहुत बोर हो गया हूँ। मेरे साथ कोई दोस्त नहीं खेलने के लिए। तब मैं धूप से कम बाहर बैठ के तो जो भी मेरे लूजर पकड़े थे उधर ताबों पे है बैठ हुए। आलू दीद कूल चल गए हैं और मैं घर में बैठा हुआ हूँ और मैं बहुत बोल बोल होके बैठ जाता हूँ धूप पर कभी कभी। तो मम्मी ने भी लंच कर लिया है। बिस्तर पर लेटे हुए हैं आराम करने हैं। अभी आराम कर लो। आप क्या कर रहे हो पापा? कमल ने न्यू के छोड़ दे आराम कर रहे हो? छोड़ देना आराम करते हैं तो फिर कुछ करते हैं काम। आप क्या कर रहे हो? ब्लॉगिंग? जी। अच्छा आप ही आराम करो। आजो तो दोस्तों मैं आराम कर लेता हूँ फिर मिलूंगा मैं। जब तो थोड़ा सा आराम भी हो गया है फिर मैं धूप पर सेक रहा हूँ। और ना दत्तम मम्मी रात को लड़ाई वगैरह कर कर के मुझे खाना नहीं खिलाते हैं और मारते रहते हैं खुद ही लड़ाई करते रहते हैं। तो मैं यहाँ पर धूप पर बैठा हुआ हूँ। तो दत्तम मैं आपको तब ले जाने वाला सामान दिखाऊंगा बाद पे। मम्मी पापा लड़ाई कर रहे हैं मैं मम्मी पापा को बता दे रहा हूँ कुछ। मैं छो के उठ गया हूँ। हम लोगों का लंच के बाद कोई काम नहीं होता ना तब हम लोग लंच के बाद छो जाते हैं अंदर। तो दोस्तों मैं तब ले जाने के लिए आपको अपना सामान दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने दो ही थैली पे इकट्ठा कर लिया अपना सामान। अभी मैं एक ही थैली का दिखाऊंगा। ये वाला मेरा है। तो दोस्तों ये 5000 मॉडल गाड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब बना हुआ गाड़ी है। और देखो ये मम्मी ने मुझे 5000 पे गुब्बारे किया था। और मम्मा अब एक दो दिन में मुझे ये किया ना। ले चल एक ये डॉल भी है। देखो लाइट चल रही है घर ले जाऊंगा। ये बंदूक है। ये बंदूक है लाल मच्छी ने दिया हुआ। और ये ले जा रहा हूँ मैं पढ़ने के लिए एक कार्डबोर्ड। और ये ले जा रहा हूँ एक पढ़ने के लिए कार्डबोर्ड। तो दोस्तों मैंने आपको सारा सामान दिखा दिया अपना। इसमें रखा घर पे चाय बनाने के लिए ना चाय पत्ती भी नहीं है तो मैं नए स्टाइल से चाय बनाती हूँ तो आप सभी को दिखाती हूँ। तो बनाते हैं चाय। तो बनाते हैं चाय। ये तो आपने पीने चाय। तो ये हो गया है चाय पत्ती वाला कलर। अब रखेंगे अपने हिसाब से मीठा। मम्मी ने कल कपड़े धोवा हुआ पहले थोड़ा सा पानी तो खत्म ही हो गया था सारे कपड़े पे नहीं रहा। उधर ये
कपड़े भी कल ही धोए थे, मैंने आपको बताया था ना। तो दोस्तों अब मम्मी कैसे चाय बुलाते हैं आप लोग ने देखना। वो बन गया है हमारा चाय। पापा का दिन रात चाय बनाती होता है चाय है ना मम्मा। अभी पहले सुबह मांगे फिर रात को मांगे फिर दिन को मांगे। पापा को चाय पीने के लिए आज दिन को बोले थे कि बुलाओ ना चाय बोले थे। तो देता मैं भी पी लेता हूँ चाय। तो मैंने चाय पी लिया है। मैं आपको छबी को एक गाना गा के दिखाता हूँ। ठुमक ठुमक छबी तो चाय तू पानी मत मा छम छम घूम लू बजे कल को मा तुम्हें काल कल का नाना तुम्हें चूड़ी चनाला काल कल का नाना तुम्हें चूड़ी चनाला चुनली तली चमकनी गुलाबी चलाला हाय चुनली तली चमकनी गुलाबी चलाला। तो मम्मी और मैं सागर उधर से लाए थे मेरे दादी के पहले और थोड़ा सा धनिया। तो रिदुन तो आप सभी को बता देना अभी हम मामी के घर जाके खेत से ये हरे भरे साग लेकर आए हैं और साथ पे बिल्कुल फ्रेश पुदीना और धनिया भी लेकर आए हैं। पुदीना धनिया। तो ये है हमारा नेपाल का भाजी साग और हम बनाएंगे आज भाजी साग की सब्जी। दिन की दाल है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। लाइक सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक कर लेना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।